बाल विवाह के 7 साल बाद अपनी पत्नी को ससुराल आने के लिए पति दबाव डालने लगा तो उसने अपनी बहनों को साथ मिलाकर खौफनाक षड्यंत्र रच दिया। पति को अपनी बहनों के घर बुलाकर नशीला पदार्थ और इंजेक्शन देकर मारा और फिर इलेक्ट्रिक कटर से हाथ पैर और थड़ काटकर पॉलिथीन में पैक कर सीवर में फेंक दिया। इस सनसनीखेज मामला राजस्थान के जोधपुर जिले का है। पुरुषों से सख्त नफरत करने वाली सीमा ही अपने पति चरण सिंह की कातिल निकली। सीमा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से अपने पति को घर बुलाकर मारा। इतना ही नहीं, घर के बाथरूम में कटर से उसके हाथ पैर और थड़ काट दिए। लंबे समय से सीमा के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। बचपन में हुए विवाह के बाद जब पति चरण सिंह ने ससुराल में लाने की जिद की तो सीमा को यह नागवारा गुजरा। उसने चरण सिंह को जोधपुर के बनाड़ में अपने किराए के मकान में बुलाया और उसके साथ गौना के मामले को लेकर प्रेम से बातें की। इस दौरान सीमा की बहनों ने चरण सिंह को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके बाद कुछ इंजेक्शन भी लगाए, जिसके बाद चरण सिंह बेशुद्ध हो गए और उसके बाद उसकी सांसें उखड़ गईं। पति के मरने पर भी सीमा का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था तो उसने बाथरूम में चरण सिंह के शव को ले जाकर इलेक्ट्रिक कटर से उसके अंग काट दिए और बाद में पॉलिथीन में भरकर उनको अलग अलग जगह सीवेज में डाल दिया। यह खुलासा जोधपुर पुलिस ने गुरुवार को किया। जोधपुर कमिश्नर के DCP धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सीमा, उसकी बहनें सीमा, प्रियंका, बबीता और बहनों का एक मित्र भियाराम, जो इस घटना में उनका सहयोगी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चरण सिंह के शरीर के कुछ भाग तो नहीं मिले हैं, उनकी तलाश जारी है। इलेक्ट्रिक कटर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। शुक्रवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से मृतक चरण सिंह और सुशील जाट अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी सीमा ने उसे मना कर दिया और इस बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी विवाद भी हुए। उसके बाद 10 अगस्त को सीमा ने चरण सिंह को बनाड़ थाना इलाके में अपनी बहनों के किराए के मकान पर बुलाया और इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।